हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है और अगर आपके चैनल पर व्यूज नहीं आते हैं और आपके चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं, मतलब कि अगर 5000, 7000, 8000 या फिर इवन आपके चैनल पर 20-25000 सब्सक्राइबर हैं, 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं और फिर भी आपके चैनल पर 200, 300 या 250 व्यूज आते हैं, या अगर जिनके चैनल पर 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं मोस्टली 1,000 व्यूज आ जाते हैं, तो मैं आपको आज YouTube के द्वारा बताई गई हुई बातों को शेयर करने वाला हूं और आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि मैंने अपने चैनल पर लास्ट 28 दिन में, जो कि हर एक दूसरे वीडियो पर, हर एक वीडियो पर 1400, 1500, 1800, 2000 व्यूज कैसे लेकर आया हूं, और आपको भी बताऊंगा कि आप क्या करें अपने चैनल पर जिससे कि आपके चैनल पर वीडियो पर ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा इंप्रेशन आए और एक्टिव भी हो जाएं, जिससे कि तुम्हें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज मिले। कोई भी वीडियो अपलोड करो जिस पर लोग तुम्हें देखें, कमेंट करें, ये नहीं कि किसी एक वीडियो पर ज़्यादा लोग आ गए उसके बाद व्यूज ना आए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको YouTube के बारे में यहाँ पर डिटेल से जानकारी, डीप में जानकारी लेकर चल रहे हैं देने के लिए कि व्यूज कैसे आते हैं और क्या क्या समझना होता है, व्यूज लाने का तरीका क्या है। कोई यहाँ पर मैं आपको जादू मंत्र नहीं बता रहा हूँ, एक टेक्निक बता रहा हूँ, यूट्यूब की तरफ से ये बताई गई हुई टेक्निक है। यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा ये चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ उन्हें खुद शायद नहीं पता होती है, अगर पता होती है तो सोचते हैं मैं बता दूंगा तो मेरे व्यूज कम हो जाएंगे, सामने वाले के ज़्यादा हो जाएंगे। बट दोस्तों, हमारा काम आपको बताना नहीं, समझाना है, और जब तक नहीं समझ जाते हो तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूँ, लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। आओ, कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर मैं दोस्तों आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो ये देख लो, अभी मैंने 25 अगस्त को एक वीडियो अपलोड की है, 999 व्यूज हैं। 24 अगस्त को यहाँ पर अपलोड की है, यहाँ पर 1633 व्यूज हैं, 985 व्यूज हैं, 669 व्यूज हैं, और यहाँ पर 1119 व्यूज हैं, 1817 व्यूज हैं और 1248 व्यूज हैं। यहाँ पर 2404 व्यूज हैं, 1476 व्यूज हैं, 1437 व्यूज हैं, 1688 व्यूज हैं और 545 व्यूज हैं। यहाँ पर 1651 व्यूज हैं। ये सारा कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अब एक काम यहाँ पर करता हूँ, मैं नीचे चलता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एनालिटिक्स का, एनालिटिक्स पर आपको क्लिक करना होता है। एनालिटिक्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आता है, और इस तरीके से इंटरफेस जब आता है तो आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, और उसके बाद टॉप 10 आपको वीडियो अपनी देखनी है। टॉप 10 वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपको इंगेजमेंट देखनी है अपने चैनल पर, तो इंगेजमेंट आप यहां से देख सकते हैं। अब इंगेजमेंट देखने के लिए कि आपके चैनल पर किस वीडियो में क्या हो रहा है, यहां से आपको पता चलेगा कितनी देर तक लोग आपकी वीडियो को देख रहे हैं, किस वीडियो पर ज़्यादा देर तक वॉच टाइम दे रहे हैं, किस वीडियो पर कितना दे रहे हैं, ये सारी इंगेजमेंट होती है आपके चैनल पर, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से हम ओवरव्यू में आएंगे, ओवरव्यू में यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। ओवरव्यू में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टॉप वाली वीडियो को अपने चालू करना है। जैसे मान लो मैं अभी आपको रिसेंट की बात दिखाऊं वीडियो, तो मैंने यहाँ पर 16 मई को एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, 16 मई को एक वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो पर मैं क्लिक करूँगा, ज़्यादा पुरानी वीडियो लेकर नहीं जाऊँगा, नहीं तो आप कहोगे सर आपकी जो वीडियो वायरल हो गई उसी के बारे में बता रहे हो, और फिर तो मेरी वायरल हो ही नहीं रही तो मैं कैसे बताऊँ। तो इस वीडियो पर मैं लेकर आया हूँ जिस पर कि अभी 17,300 व्यूज हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मई में इस वीडियो को अपलोड किया था, जो कि 16 मई को अपलोड किया था। 3 महीने में आ चुके हैं 17,000 से ज़्यादा व्यूज, जबकि मेरे चैनल पर इतने व्यूज नहीं आते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या काम मैंने किया और उसके बाद क्या किया जिससे कि 1600-1800 व्यूज आने लगे। यहाँ पर देखो, ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये ग्राफ आपको देखना होता है। अब ये ग्राफ ये होता है कि जैसे जैसे ये ग्राफ आपका ऊपर जाएगा आपके चैनल पर व्यूज ज़्यादा आएंगे, आपके वीडियोज पर व्यूज ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब ये ग्राफ तो आपको मैंने दिखा दिया, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो इसके पीछे की कहानी यहाँ पर ये है कि ये देखो टॉप ट्रैफिक सोर्स कहाँ से व्यूज आ रहे हैं। तो जब कोई सर्च करता है यूट्यूब पर, यहाँ पर मैंने डाल रखा है रीयूज्ड कंटेंट कैसे मोनेटाइज करें, हाउ टू फाइंड रीयूज्ड कंटेंट, तो ये वीडियो मेरी 73% लोगों तक जाती है, और ब्राउजर फीचर में 17%, सजेस्टेड वीडियो में 6% और अदर फीचर में 2%। ठीक है, तो ये होता है मेरे चैनल पर मतलब कि ट्रैफिक सोर्स, आपको पता चल गया। आप यही चीज़ अपने चैनल पर करते रहना, और यहाँ पर उसके बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ ये जो ऑप्शन है मेन काम, की मोमेंट फॉर ऑडियंस रिटेंशन। जब तक आपके वीडियो पर ऑडियंस रिटेंशन नहीं आएगा तब तक आपके व्यूज नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना।
तो ऑडियंस रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑडियंस रिटेंशन क्या है इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। एक ऑप्शन मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन ओपन कर रखा है। यूट्यूब ने यहाँ पर मुझे बताया कि देखो आपको मैं बताता हूँ कि ऑडियंस रिटेंशन होता क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इंट्रो का बात करें तो यहाँ पर दिखाता है द कंटेंट इज द फर्स्ट 30 सेकंड मैच द व्यूअर एक्सपेक्टेशन थंबनेल एंड टाइटल। तो ये होता है इंट्रो। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस सेगमेंट होता है। तो कंटिन्यूअस सेगमेंट का मतलब यही होता है कि वीडियो आगे तक आपकी देखते जा रहे हैं, लेटर प्रोपोर्शन वाइज देखते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों स्किप्स अगर ये लिख कर आता है आपके ऑप्शन पर तो इसका मतलब है कि स्किप कर करके आपकी वीडियो को देख रहा है। अब डिप लिख कर आता है तो क्या होता है, डिप जो लिख कर आया मैंने इस पर क्लिक क्यों कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी वीडियो पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर डिप लिखा हुआ है। अब मेरी ये जो वीडियो है ना, डिप वाला ऑप्शन जो आ रहा है ये इतने में है, 6 से यहाँ तक डिप हो रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका आ गया और उसके बाद यहाँ पर डिप हो रहा है। अब जो डिप का मतलब है, यहाँ पर देखो डिप का मतलब ये है कि अगर डिप सीधी लाइन है तो आपकी फ्लैट लाइन अगर है तो आपका समझ लो वॉचिंग द पार्ट ऑफ योर फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, डिप में स्टार्ट टू फिनिश। तो सीधी लाइन मेरी डिप में नहीं है, यहाँ देख सकते हो ये जो डिप में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर नीचे थोड़ा सा लाइन जा रहा है आपका तो ये मान के चलो कि धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट वीडियो से हटता जा रहा है, मतलब जो आपका व्यूअर है उसका इंटरेस्ट हटता जा रहा है आपके वीडियो से। और उसके बाद अगर स्किप्स आ रहे हैं इस टाइप से तो ये मान के चलो कि थोड़ा बहुत कहीं लो हो रहा है, कहीं स्किप करके आगे बढ़ के पूरी देख रहा है, फिर स्किप कर रहा है, फिर आगे बढ़ के देख रहा है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर लिखा है डिप्स, और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, कहीं नीचे डाउन एकदम चला गया या ऊपर चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वीडियो को थोड़ा सा तो देखा फिर उसके बाद नीचे ही जाती चली गई, तो देखा ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं समझाना चाह रहा था। अब ये चीज़ें आपने समझ ली कि इस तरीके का अगर आइकन आपके चैनल पर आता है तो आपको समझना है। अब जब आपके चैनल पर ऑडियंस एवरेज परसेंटेज जो आए, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो आए, जैसे कि ये वीडियो मेरी है 6 मिनट 43 सेकंड की, और यहाँ पर 50% मान के चलो या 44.8% मान के चलो कि लोग देखते ही देखते हैं, आधे से ज़्यादा वीडियो देखते ही देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखो आपको दिखाता हूँ, जैसे 5% से चला था और यहाँ पर मेरी वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 92% तक चल रहा है अभी, इस पर व्यूज कल और हो जाएंगे। तो जिस पर आपके वीडियो पर ये बढ़ता जाए, यहाँ पर परसेंटेज बढ़ता जाए, तो ये मान के चलना कि आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आएंगे। बट अब आपको करना क्या है, कैसे आपको पता चलेगा कि किस वीडियो पर व्यूज लाना है, कैसे लाना है, मैं आपको यहाँ पर की पॉइंट अपना बता रहा हूँ। देखो ध्यान से समझो, जब आपका यहाँ पर टॉप परफॉर्मिंग वीडियो दिखने लगे, टॉप 10 वीडियो आपकी यहाँ पर दिखने लगे, और टॉप 10 वीडियो में आप जिस टॉपिक पर आपने सबसे पहले वीडियो आपकी आ रही हो टॉप 10 में, उसी टॉपिक पर आपको 2-3 वीडियो बनाना है अपने चैनल पर। जैसे कि ये देख लो, यहाँ पर मैंने बना रखा है लाइव प्रूफ अपने चैनल को सर्च में कैसे लाएं। तो यहाँ पर ये वीडियो जो मैंने बनाई है ना, इस पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो स्किप्स लिखा हुआ है। दो स्किप्स का मतलब यहाँ पर से एक स्किप करता है बंदा थोड़ा सा प्ले क्लिप, और इसके बाद ये पॉइंट स्किप करके देखता है, ठीक है। ये दो पॉइंट ज़्यादातर मूव व्यूअर वॉच दिस पार्ट ऑफ योर वीडियो कंपेयर द प्रीवियस पार्ट। तो इस पार्ट से ज़्यादा यहाँ तक लोग देख लेते हैं कंपेयर करने के लिए, कि मतलब इसको मूव करके यहाँ पहुँच जाता है डायरेक्ट। ये जो स्किप अभी आपको दिखाया था, स्किप का मतलब जो आता है यहाँ पर, ये देखो स्किप का मतलब यही है ना कि एक यहाँ पर देखा, थोड़ा सा यहाँ पर देखा। नीचे अगर जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो को व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन एक ऊपर ये बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि वीडियो पर व्यूज आएगा। तो अब आपको और समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर ये आपको और ये दोनों जो ऑप्शन है ना, ये स्किप्स हो रहे हैं। यहाँ से स्किप करता है इतनी दूर, फिर उसके बाद वीडियो देखता है, फिर थोड़ा सा स्किप करेगा और फिर वीडियो देखेगा। तो ये जो मेरी लाइन है, ग्राफ लाइन, ये ऊपर नीचे होती रहती है। आपको यही चीज़ देखना है कि कितनी देर तक आपके चैनल पर लोग देख रहे हैं वीडियो को। अगर आपके चैनल पर लोग अपना ऑडियंस रिटेंशन 45% से ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसी टॉपिक पर आपको अपने चैनल पर वीडियो बनानी है, राइट। जिस भी वीडियो पर आपका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा आ रहा हो, यहाँ पर ये देख लेना एवरेज व्यू परसेंटेज 42 यानी कि आ रहा है, तो अगर 40 से ऊपर आ रहा है तो उस टॉपिक पर वीडियो बना देना। अगर तुम्हारे चैनल पर 300 व्यूज आए हैं और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट व्यूज वाली वो वीडियो है, तो उसी पर एक वीडियो और बना देना तुम।
ठीक है। और जब तुम्हारे चैनल पर नए नए हो और अभी तुम्हारे चैनल पर सब्सक्राइबर या व्यूज बेस ज़्यादा नहीं है, तो तुम डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक हो उस पर वीडियो बना सकते हो। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होता कि एक ही तरीके की वीडियो बनाओगे। जिस टॉपिक पर वीडियो बनाओ कैटेगरी जाकर वहाँ पर वो कर देना, अगर एजुकेशन की बना रहे हो एजुकेशन कर देना, टेक की बना रहे हो टेक कर देना। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्टार्टिंग में आपको व्यूज़ लाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने होंगे और आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनानी होगी। ट्रेंडिंग टॉपिक पर जैसे अभी बचपन का प्यार आया था, उस पर जिसने वीडियो बनाई सबका चैनल ग्रो हो गया, तो आपका भी चैनल ग्रो हो सकता था अगर आप उस पर बनाते। तो अब आपको फाइंड करना है कि जब भी कोई भी ऐसी वीडियो आए, कोई ऐसे टॉपिक वायरल हो, तो उस पर आपको सबसे पहले वीडियो बनानी है। ये काम आपको करना है व्यूज़ लाने के लिए। और ऑडियंस रिटेंशन आपको अपना टाइम टू टाइम चेक करना है, टॉप 10 वीडियो को चेक करना है, व्यूज सोर्स को चेक करना है, कहाँ से कहाँ तक आती हैं, किस सोर्स से आपके व्यूज आ रहे हैं। इतना काम करने के बाद एक अच्छी सी वीडियो, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड करो अपने चैनल पर, देखो उसके बाद आपका रिजल्ट बेहतर होगा और चैनल पर व्यूज ज़्यादा आएंगे, आप डॉलर ज़्यादा कमा पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।